दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं और साथ ही साथ बहुत पसंद से खाते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैम जो आप ब्रेड या रोटी पर लगाकर बड़े मजे से खाते हैं वो बनता कैसे है? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। जैम को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है ताजे और अलग टेस्ट के फल। इसीलिए सबसे पहले इन फलों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। उसके बाद फैक्ट्री के वर्कर इन फलों में से खराब फलों को अलग कर देते हैं, फिर आगे प्रोडक्शन के लिए भेजे जाते हैं। फिर इन फलों को ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है और उनका जूस निकाला जाता है। जूस के निकालते ही लैब वर्कर के पास भेजा जाता है ताकि वह उसकी इम्प्योरिटी को चेक कर सके। फिर जूस में चीनी मिलाकर जैम को गाढ़ा किया जाता है। ठंडा हो जाने के बाद जैम को पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है, पर जैम पूरी तरह से सेल के लिए तैयार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।